देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनू शर्मा। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है और जब पता चलता है कि हॉकी प्लेयर्स को खेलने की जगह नहीं दी जा रही तो बहुत बुरा लगता है। ऐसे पहले कुछ उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में हॉकी प्लेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। वह यहाँ के इन हॉकी प्लेयर्स को अब ग्रीन पार्क में भी खेलने की जगह मिलेगी। इस क्रम में बताया गया है कि इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ऐसे में इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये प्रस्ताव पास हो जाएगा और हॉकी प्लेयर्स को खुलकर खेलने का सपना पूरा हो जाएगा। इसको लेकर बताया गया है कि पिछले दिनों ग्रीन पार्क का आरक्षण निरीक्षण करने के लिए कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा ने यहाँ हॉकी मैदान बनाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि बॉयज हॉस्टल के पास जमीन खाली पड़ी है, जिसका खेल के लिए बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे में हॉकी के लिए मैदान तैयार करना कोई बड़ी या नामुमकिन बात नहीं है। उन्होंने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अजय कुमार सेठी से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस पर तत्काल कार्य शुरू करने के लिए समिति भी बनाई गई। बता दें कि ग्रीन पार्क में हॉकी ट्रफ बनाने को लेकर नगर निगम और क्रीड़ा विभाग के बीच विवाद चल रहा है। नगर निगम ने हॉकी ट्रफ के लिए 2 करोड़ दे चुका है, लेकिन जगह और उनके ट्रफ के साइज को लेकर विवाद खड़ा है। इस वजह से हॉकी ट्रफ का निर्माण काफी समय से लटका हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।